हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे अभिमन्यु का चक्रव्यूह क्यों है इतना मशहूर, और बात करेंगे चक्रव्यूह क्या होता है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध की गाथा और चक्रव्यूह की ऐसी अद्भुत कथा जानकर चौंक जाएंगे आप। तो चक्रव्यूह संबंधी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के बांझे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने बांझे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित सात योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण जी यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं चक्रव्यूह क्या होता है। युद्ध को तोड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करते हैं। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है जैसे क्रोंच व्यूह हो, अर्थात आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता है। कहते हैं चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे अपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण वर्ग का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है, अर्थात जैसे आपके सामने ये चक्रव्यूह दिखाया गया, ये सभी एक सैनिक है और सैनिकों द्वारा ही चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है। इस चक्रव्यूह को हम अगर अंदर चले जाते हैं या तो हमें जो हमारे रास्ते में आ रहे सैनिक को मार करके अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर हमने वो सैनिक को मार करके रास्ता बनाया है तो तुरंत ही जो पीछे का सैनिक होगा वो आगे की तरफ चला जाएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। अर्थात जिसमें योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेता है, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। व्यूह के घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर में बलिष्ठ योद्धा के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता रहेगा अंदर के जिन योद्धाओं से इसका सामना होगा वे थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे पहले वाले योद्धाओं से ज़्यादा शक्तिशाली व ज़्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ। कैसे फंसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में? अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और
बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली खाली जगह से वह अंदर घुस जाता था। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली। अभिमन्यु दीवार तोड़ते ही अंदर तो घुस गया, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता तो दीवार पुनः बन गई होती थी। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होता था। वह दीवार पहले की अपेक्षा और मजबूत हो जाती थी। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह मंदिर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यूह फिर से बदला, पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर दो चार ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला रह गया। उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का गणतव और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। छह चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही सातवें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि सात महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता हुआ आगे चलता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बहुत क्रोधित उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के बारव जयद्रथ को मारने की शपथ ली और साथ में ही युद्ध को समाप्त किया।